पश्चिम बंगाल राज्य उच्च शिक्षा स्थायी समितिको एउटा उच्च स्तरीय टिमले गत 29 नोभेम्बरदेखि उत्तर बंगालको भ्रमण गरिरहेको थियो भने यसै क्रममा आज 2 डिसेम्बरका दिन उक्त टिम पेदोङ डिग्री कलेजको भ्रमणमा आएको थियो। कलेजका प्रभारी शिक्षक नवीन पौडेल अनि कलेजका प्राध्यापकगण साथै विद्यार्थीहरूले उक्त टिमलाई स्वागत जनाएका थिए। कलेज हलमा आयोजित कार्यक्रममा टिम मेम्बरहरूको सम्मानमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि राखिएका थिए। उल्लेखनीय छ, उक्त टिममा कमिटी चेयरम्यान तथा विधायक रफिकुल इस्लाम लगायत विधायक सदस्यहरू डाक्टर मानिक भट्टाचार्य, मोहम्मद अली, जीवन कृष्ण शाह, मधुसूदन भट्टाचार्य, नसिरुद्दिन अहमद, तरुण कुमार माइती, सुशान्त महतो अनि सुकान्त कुमार पावल प्रमुख रूपले रहेका छन्। यो टिमले विशेष गरी उत्तर बङ्गालका युनिभर्सिटी लगायत डिग्री कलेजहरूका जमिनी समस्याहरू बुझ्न, गुनासोहरू सङ्कलन गर्न अनि ती शैक्षिक संस्थानहरूको वर्तमान स्थितिबारे राज्य सरकारलाई अवगत गराउने उद्देश्यले उत्तर बङ्गालको भ्रमणमा आएको टिमका चेयरम्यान रफिकुल मण्डलले जानकारी दिएका छन्। আমরা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা দপ্তর উচ্চশিক্ষা কমিটি থেকে এসেছি এখানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পক্ষ থেকে। ওকে স্যার, তো কিতনা দিন কে ভিজিট হ্যাঁ স্যার? আমারা ভিজিট হয় 29 তারিখ সে 4 তারিখ তক। ওকে স্যার, শুনে না, কোন সব পারপাস মে ইয়ে ভিজিট হো রা হ্যায়? ভিজিট কা জো পারপাস ইয়ে হ্যায় জো হাম गवर्नमेंट जो न्यू यूनिवर्सिटी बनाता है, डिग्री कॉलेज में बनाता है, ऐसा यूनिवर्सिटी कैसा चलता है, गवर्नमेंट को गाइडलाइन में चलता है कि नहीं, वो अच्छा चलता है कि बुरा चलता है, जो डिग्री कॉलेज है यही भी कैसा चलता है, अच्छा चलता है कि बुरा है, इसका कोई प्रॉब्लम था हम इधर से इंफॉर्मेशन लेगा, उसका क्या डिमांड है ये भी जानता है, और इसीलिए रिपोर्ट बनाएगा जो रिपोर्ट में पश्चिम बंग विधानसभा में ले आउट होगा। देन दिस रिपोर्ट विल बी এটা আমাদের পরবর্তী সময় বিধানসভা সবাই দেখবে এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রীও দেখবে, এবং লাস্ট অফ অল আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন ক্রমে যেগুলো নিয়ে সেগুলোকে কার্যকরী করার চেষ্টা করি। যেহেতু আমার স্টেটকে এন্ড মে হ্যাঁ উধার জায়গা বলে যায় কেসা চলতা হ্যাঁ তো এসা নিয়ে হম বেডম পেলে চয়েস করতে ইধার আমরা খুব আচ্ছা লাগতা হলে ছোটা কলেজ হ্যাঁ স্টুডেন্ট কাজ নম্বর ভি থা হিসেবে যো অ্যারেঞ্জমেন্ট হ্যাঁ अच्छा नाइस है, टोटल एनवायरनमेंट नाइस है, थोड़ा सम प्रॉब्लम है बिल्डिंग प्रॉब्लम है और सब्जेक्ट प्रॉब्लम कुछ कुछ है, ये सब जैसे कि क्वार्टर भी प्रॉब्लम है सर, क्वार्टर भी प्रॉब्लम है, इट इज क्वार्टर एंड हॉस्टल बोथ का प्रॉब्लम है। अच्छा सर, एज इट इज ए हिली एरिया सो हॉस्टल एंड क्वार्टर इज वेरी एसेंशियल। सर ये जो सब्जेक्ट यू हैव टू नो, we are not the authority to sanction anything. Everything will be sanctioned by our education minister in consultation with the chief minister. Yes sir.